नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप कोल कोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि इन दिनों जो है सिर्फ मोरवा में एक ही चर्चा है कि हम जाएंगे कहाँ। मोरवा का मार्केट जो है पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर है। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देश को ऊर्जा की ज़रूरत है और ऊर्जा मिलना है मोरवा से, क्योंकि मोरवा के नीचे दफन है काला हीरा, जिसको बोला जाता है कोयला। इसलिए देश को इसकी ज़रूरत है और लोग यहाँ तक कि अपना घर द्वार सब सारा चीज़ छोड़ने को तैयार हैं, चाहे छोटे मोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हों, या तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। और वो सिर्फ एक ही टिका टिप्पणी होती है कि हम जाएंगे कहाँ। तो आइए सीधे जुड़ते हैं, हम उन्हीं से उनका नाम जानते हैं, उनके दुकान का भी नाम जानेंगे। ये मोरवा बस स्टैंड में मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि रात में एक घटना भी यहाँ पे घटी थी। दमोह के कुछ लोग थे और एक लड़की जो है बस से उतरती है, उनका जो है करीब 48,000 रुपये जो है लेकर उतर जाती है बस से, जिसको लेकर काफ़ी गहमागहमी होता है। और जो लोग थे दमोह के वो मोरवा थाने भी जाते हैं। हालांकि अभी हम लाइव हैं और जो नए होंगे पेज को फॉलो कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी न्यूज़ अगर आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलते हो तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9425178849। तो पेज को इस पर जाकर न्यूज़ क्लिक कर मैसेज करें, आपको एक लिंक मिलेगा, तो ये व्हाट्सएप चैनल है उसे फॉलो कर लें, जिससे आप सीधे हमसे जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको क्लोज कर रहे हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बस स्टैंड में इनकी दुकान है शर्मा आर्ट के नाम से। क्या बोलना चाहोगे? थोड़ा सा पहले पंखा बंदे कर दो क्योंकि उधर बस स्टैंड का बस का भी आवाज़ आ रहा है। ये हम आपको दिखा दें, इनकी दुकान है छोटी सी, ये देखने के लिए छोटा सा है लेकिन इनके कारनामे जो है बहुत बड़े बड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम राकेश कुमार ठाकुर है। क्या बोलना चाहोगे? मोरवा विस्थापन को लेकर के देखिए, यहाँ का मार्केट अब पूरा विलुप्त, पूरा समाप्त के कगार पे है। आज के डेट पे छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी किसी को भी देखिए ऐसे, तो वो आए दिन बैठ करके अपना दुकान बैठ करके सब देखते रहता है कि कुछ कस्टमर आएंगे, लेकिन पहले जैसा मार्केट में नहीं रहा है। धंधा सबका चौपट होते जा रहा। आज से बीते लगभग 5 साल 6 साल 7 साल से सिर्फ यही सुनने में आ रहा है कि मोरवा विस्थापन हो रहा है, मोरवा विस्थापन हो रहा है। और उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला कि कब विस्थापन होगा और कहाँ विस्थापन होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब सब हमारे रोजी रोजगार पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। अगर ये मार्केट उजड़ता है तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी पहली प्राथमिकता नगर निगम क्षेत्र में दें हम लोग को, बसाहट, जहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा हो, सड़क नाली जल हर चीज़ की अच्छी सुविधा हो, वहाँ पे हमारा बसाहट करें। और क्या बोलना चाहेंगे? और घरों का क्या हालचाल है आपके ब्लास्टिंग से? ब्लास्टिंग से आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा घर वार्ड नंबर 9 मढ़ौली में पड़ता है। अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान लगभग 45-46 डिग्री चल रहा है, इसके चक्कर में हम लोग ज्यादातर टाइम अपना घर में बिताते हैं। दोपहर में जब ब्लास्टिंग होता है तो हम लोग भागना पड़ता है घर से। हम लोग घरों में यदि आप दरारें देखना चाहेंगे ऐसे तो इतनी मोटी मोटी दरारें आपको दिखेंगी ऐसे। और हम लोग घर लगभग 30-35 साल पुराना घर है। हम लोग मन में हमेशा ये आशंका रहता है कि आए दिन कुछ घटना ना हो जाए ऐसे। हम लोग बाल बच्चे सभी लेकर के अपने घर में रहते हैं, पूरे परिवार रहते हैं ऐसे। कुल घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 4 भाई और 4 भौजाई, माता पिता, 2 बहन और बच्चे। कुल संख्या कितनी होगी सबकी मिला के? 18 लोग रहते हैं। खदान कितनी दूरी पे है आपके घर से? हमारे घर से 100 मीटर समथिंग, 100-150 मीटर दूरी पे। और कुल आबादी कितना है वहाँ पे? एकदम घनी आबादी, पूरे घर सटे हुए हैं। एक घर में आपको 10-12 लोग मिलेंगे। कभी बैठ कर चर्चा नहीं करते हैं आप लोग? हम लोग चर्चा क्या, हर कुछ कर चुके हैं ऐसे वहाँ पे। हमारे वरिष्ठ जन जितने हैं वो तो आए दिन मीटिंग ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, अपने स्तर से वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा है ऐसे। यहाँ तो जल्द से जल्द बसाहट करना चाहिए, मोरवा विस्थापन करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ घटना ना हो जाए वहाँ पे ऐसे।
आपको विश्वास ना हो तो कभी एक बार आकर के हम लोगों के वार्ड में हमारे मोहल्ले में आकर के आप देख लीजिए, दो बजे डेढ़ बजे ब्लास्टिंग होती है और ब्लास्टिंग का क्या तीव्र रहता है। पानी वगैरह पे क्या कोई असर बोर वगैरह पे? हम लोग तो नल जल योजना के तहत हम लोग पानी मिलता है। अच्छा, अभी इस समय सुन रहे हैं नल जल योजना जो चल रहा है जी, पानी साफ आ रहा है? पानी थोड़ा धुंधला धुंधला आता है लेकिन पानी आता है, उसी से आदमी चल रहा है। और क्या बोलना चाहेंगे लोग घर में क्या बात करते हैं विस्थापन को लेकर, ब्लास्टिंग को लेकर? ब्लास्टिंग को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है। ब्लास्टिंग को लेकर के इसलिए मुद्दा है क्योंकि पास में माइंस आ गया। हम लोग तो ये सोचते हैं कि मार्केट ले चाहे ना ले, क्या बात होगा, ऐसे नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ पे है वो तो पूरा मौत के कगार में वहाँ पे खड़े हैं, ऐसे डेंजर जोन पे पूरा है ऐसे। क्योंकि एक बार अभी हाल ही में हादसा हुआ था घर के लिए ना, तो वो सब, मौत हो गई थी। हाँ, तो वो सब तो बहुत डेंजर जोन पे है, तो उसका जल्दी निर्णय करना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं अड़ोस पड़ोस के लोग? वो सुबह शाम सिर्फ यही चर्चा ही होता है, जितने सब अपने छोटे मोटे दुकानदार हैं हमारे मोहल्ले में, सुबह यदि शाम में गए तो वो लोग सब चर्चा करने लगे। सुबह सब दुकानदार जाते टाइम यही चर्चा करते हैं। इसमें आप भी ग्रुप में ही होंगे, किसी न किसी ग्रुप में होंगे जी जी, तो उस ग्रुप से कुछ सीख मिलता है आपको? ग्रुप से सीख तो मिल रहा है, देखिए क्या है, बहुत सारे हमारे बहुत सारे संदेश जो होंगे मिल जाते होंगे बड़ी आसानी से। हमारे वरिष्ठ जो है वो बहुत सारे अच्छे मांग भी रख रहे हैं एनसीएल के सामने अपना, और बहुत सारे ऐसे मांग है जो एनसीएल पूरा नहीं भी कर सकती है। कहीं ना कहीं एक चीज इनसे और पूछना चाहेंगे, क्योंकि दो ग्रुप बन गए हैं, पहले एक ग्रुप था लेकिन अब दो ग्रुप हो गए हैं, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि बहुत दुकानदार हैं, बहुत ही बारीक सा सवाल है और गंभीर सवाल भी है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो दो ग्रुप हुआ है उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि मांग सबकी एक ही है और उसमें दो ग्रुप क्यों, क्या बोलना चाहोगे? ये जो ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं अब तो दो ग्रुप हो गया है मोरवा में जी, और मांग लगभग लगभग सबकी एक ही है जी, तो क्या बोलना चाहोगे? हमारे ख्याल से तो इसमें सभी को एकजुट होकर के ही एक ग्रुप ही चलाना चाहिए ऐसे, और एनसीएल से ही मांग करना चाहिए कि हम लोगों को एक अच्छा विस्थापन दे, जो उचित मुआवजा हो सकता है, आप जितना बेहतर से बेहतर आप उसका घर का मकान का जमीन का वो मुआवजा दे और अच्छे जगह विस्थापन करें। ये मुद्दे पे चर्चाएं होनी चाहिए और सभी को एक मुद्दा एक विषय ही लेकर के चलना चाहिए, गुटों में बांटना नहीं चाहिए। हम लोग को अभी एक समूह एकजुट होकर के काम करने का टाइम है। विस्थापन जो है यहाँ से कितनी दूरी भी हो लगभग? विस्थापन हमारे ख्याल से नगर निगम क्षेत्र में ज्यादा, नगर निगम क्षेत्र में होना चाहिए। कुछ तो मार्केट में पैसा भी फंसा होगा? मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। हम लोग मान लीजिए मेरे पिताजी लोग सन 1984 में आए हैं, मेरे दादा लोग आए थे, तो हम लोग जन्म सारा चीज यहीं पे हुआ है, हम लोग पूरा चीज यहीं पे। अगर यहाँ से विस्थापन होता है नई जगह पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जमने में कितना समय लगेगा? लगभग काफी टाइम लग जाएगा वहाँ, यहाँ मतलब जहाँ भी हम लोग जाएंगे। मतलब लास्ट कुछ बोलना चाहेंगे या उसको? हम तो बस यही इतना ही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द विस्थापन करें और सभी को जो इससे विस्थापन को लेकर के जो उसमें है उनको उचित मुआवजा दिया जाए और अच्छा जगह पे विस्थापन किया जाए, बस यही। सवाल जो है तमाम है। सुबह सुबह का समय था, निकल आए थे और सेविंग कराना था तो मिल गए और चर्चा ही होने लगी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर मोरवा बाजार यहाँ से उजड़ कर कहीं और जाता है, यहाँ से दूर जाता है, तो बनी बात है कि मार्केट जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लोगों को जो विस्थापन का जो पैसा मिलेगा उसी में बैठकर खाएंगे, उसी से मकान बनाएंगे, उसी से रहेंगे, क्योंकि जमने में एक लंबा समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि विस्थापन जो हो ज़्यादा दूर ना हो और जहाँ भी रहें लोग एक साथ और ये एक जगह पर लोग रहें, क्योंकि लोग यहाँ पे छोटी पूंजी वाले भी हैं, बड़ी पूंजी वाले भी हैं और उनका पैसा भी जो है मार्केट में काफ़ी फंसा हुआ है।
गंभीर विषय हैं, लोगों से जुड़ेंगे, उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। ये इनकी दुकान है, हम आपको बैक में दिखा दें, नंबर प्लेट वगैरह घर में शादी ब्याह होता है, और बड़े बड़े मशीनों पे भी लिखते हैं, काम भी करते हैं। दुकान बहुत छोटी सी है लेकिन काम बहुत बड़ा है। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे होंगे, अगर जो नए होंगे तो पेज को फॉलो कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यूट्यूब पर अगर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा अगर न्यूज़ आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप 9425178849। इस पर आप न्यूज़ लिखकर भेजें व्हाट्सएप पर, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे फॉलो कर लें। ये व्हाट्सएप चैनल है जिससे आप सीधे हमसे जुड़ जाएंगे, और कोई भी कुछ भी रहे तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर फिर एक बार बता दें 9425178849। तो बने रहें कोल कोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।